हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग विज्ञान में जंत की संरचना एवं कार्य इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इकाई 8 हमारा जो इकाई है, इसमें हम लोग जंत की संरचना एवं कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस इकाई में मस्तिष्क एवं नाड़ियां, जिसको तंत्रिका बोलते हैं, इन इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर इकाई 8। ठीक, इसमें मस्तिष्क एवं नाड़ियां तंत्रिका बोलते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। अचानक धमाका होने पर हमारे अंदर क्या प्रतिक्रियाएं होती है, जैसे हम कहीं बैठे हैं, एकाएक कोई तेज आवाज हो, कोई धमाका हो, तो हमारे शरीर के अंदर कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, हम चौंक उठते हैं, हम जो है चौंक उठते हैं कि क्या हो गया। गर्म वस्तु अचानक छू जाने पर क्या होता है, जैसे हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पे पड़ जाता है तो क्या हम दूसरे हाथ से हाथ हटाते हैं क्या, ऐसा नहीं होता है। हमारा हाथ ज्यों ही उस गर्म स्थान पे, उस गर्म सरफेस पहुंचता है, उतनी ही गति से तुरंत हाथ पीछे हट जाता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ये सभी क्रियाएं अपने आप होती है। जैसे तेज आवाज हुआ तो हमें कोई बताता नहीं, कहीं तेज आवाज हुआ और हम उछल जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये पिक जितने ही तेज गति से या जितने किसी भी गर्म स्थान पर हमारा हाथ जो ही पड़ता है, उतने ही वेग से हमारा हाथ पीछे भी हट जाता है, ऐसा क्यों होता है। हम अपना हाथ पीछे क्यों हटा लेते हैं, इसको हम इस मस्तिष्क और नाड़िया में जानेंगे। ये सभी क्रियाएं अपने आप होती है, इन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर ये सोचे कि नहीं बहुत तेज धमाका, हमारा शरीर चौंक न जाए या गर्म स्थान पे हमारा हाथ पड़ जाए तो हम हाथ ना हटे, ये सब सेल्फ होती हैं, इन पर हमारी इच्छाओं का कोई प्रभाव नहीं, नहीं हाथ हटे न, रोक रखे हम चौकन्ने न हो जाए, ऐसा ना हो, ये सेल्फ होती हैं। और ये दो प्रकार क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया होती है अनैच्छिक क्रियाएं और एक क्रिया होती है ऐच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है, वो कौन सी क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं, जिन पर हम चाहें तब भी हम उस पर कमांड न कर पाए, उस क्रिया को रोक न पाए। जैसे हम चाहें कि हृदय का धड़कन रुक जाए, हृदय का धड़कन रोक दे, अब नहीं ले, ऐसा हो सकता है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हृदय धड़कन क्रमों चलती रहेगी, हम नहीं रोक सकते हैं, उस पर हमारा कोई कमांड नहीं है। ठीक है, और दूसरी क्रिया क्या है, ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिन पे हमारा कमांड होता है, जिसको हम चाहें करें अथवा न करें। अगर हम हाथ को फैलाना चाहें तभी हाथ फैलाएंगे, यदि मोड़ना चाहें तो मोड़े रखेंगे, ऐसा नहीं हाथ मोड़े अपने आप हाथ सीधा हो जाएगा, नहीं, जब हम हाथ सीधा करेंगे तभी हाथ सीधा होगा, उसके पहले नहीं होगा। इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जिन पे हमारी इच्छाओं का जोर चलता है। जैसे हम बोलना चाहें तभी बोलेंगे, खाना चाहें तभी खाना चाहें, ये सब क्रियाएं क्या है, ऐच्छिक क्रिया होती है। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। शरीर में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का नियमन और क्रियान्वयन के लिए, नियंत्रण के लिए एक तंत्रिका तंत्र शरीर में पाया जाता है। ठीक है, अब हम ज्ञानेन्द्रिया के बारे में जाने, हमारे शरीर में जिनसे हमको ज्ञान होता है, अच्छा है बुरा है, अच्छी महक है गंदी महक है, स्वाद अच्छा है न दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता है, ये सब काम हमारे शरीर में कान के द्वारा हम सुनने का कार्य करते हैं। अगर किसी के पास कान ना हो तो सुनेगा नहीं, कान ना हो तो सुनने कार्य नहीं होगा। नाक है, नाक का कार्य क्या होता है, हम स्मेल को, महक को, सुगंध को, सुगंधित है कि बदबू है क्या है, उसका एहसास करते हैं। ठीक है, इसी तरह आँख है, आँख अगर हम बंद कर ले तो हमको चलने में सुविधा होगी, हम चलने में दिक्कत मुझे होगी, आँख के द्वारा क्या होता है हमको दिखाई पड़ता है। जीभ से क्या होता है, जीभ से में स्वाद का अनुभूत होता है, तो
त्वचा पे, त्वचा से क्या होता है स्पर्श, कोई हमको स्पर्श करता है तो उसका अनुभव होता है। ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो कल जो हमारा टॉपिक कान पे, नाक पे, आंख पे, कल हम उस पर चर्चा करेंगे। कान काम क्या है, कान का कार्य हम जानते हैं, कान को श्रवण इंद्रिया करते हैं, काम कान क्या करता है, सुनने का कार्य करता है। और सुनना ही नहीं इसका कार्य है, शरीर में संतुलन भी बनाए रखता है। यदि कान में कभी कान बहना शुरू हो जाए या कान में कोई दिक्कत होता है तो हमको चलने में भी बैलेंस अच्छा नहीं होता, हमको लगता है किसी एक तरफ गिर जाएंगे। तो कान श्रवण इंद्रिया तो है, कान से हम सुनने का कार्य करते तो है, और इसके साथ यह शरीर का जो बॉडी का संतुलन होता है, बॉडी को बैलेंस भी करता है, यह शरीर को संतुलन भी प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि मछली, मेढक, छिपकली तथा पक्षी आदि में बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्तनधारियों जैसे खरगोश, चूहा, हाथी आदि में हमारी भाग बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। कर्ण के भी तीन भाग हैं, कान का भी मुख्यतः तीन भाग होते हैं। हम कल कान के तीनों भाग की चर्चा करेंगे, बाह्य कर्ण है, मध्य कर्ण है, आंतरिक कर्ण है। कल हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने ज्ञानेंद्रियों के बारे में जाना, अनैच्छिक ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में जाना, तंत्रिका के बारे में जाना। कल हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है? ओके।